कितना टाइम लगा आपको स्पा सेंटर ओपन करने के लिए? रफली कितना इन्वेस्टमेंट हो गया ओपन करने के लिए, और क्या है आपके पास टीम, और आपने कैसे उनका हायरिंग किया? पहले महीने में कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज किया क्लाइंट्स को अपने सेंटर तक लाने के लिए? हेलो एवरीवन, वी आर इन नेशनल स्किन इंस्टीट्यूट और मेरे सामने जो गेस्ट बैठे हैं इनका नाम है अदिति श्रीराव, और इन्होंने कैसे अपना पहला 1,00,000 रुपया बनाया स्पा थेरेपी का यूज करके, उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का एजेंडा भी यही होने वाला है कि उनका मसाज थेरेपी का कोर्स करने के बाद क्या एक्सपीरियंस रहा है, किस टाइप के क्लाइंट मिले हैं, कैसे कम्युनिकेशन वो कर रहे हैं लोगों के साथ, और कैसा उनको फील हो रहा है। तो ये सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सो अदिति, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। क्योंकि मुझे स्पा सेंटर खोलना था, स्पा सेंटर का काम चालू था, वैसे मैंने वो कोर्स भी ज्वाइन किया। जो ऑनलाइन कोर्स था वो ज्वाइन किया था मैंने, फिर आपका ऑफलाइन वाला जो 1 वीक का था वो भी किया, तो उससे मुझे काफी फर्क पड़ा। मैंने मेरे असिस्टेंट्स को भी सिखाया और वो लोगों के परफॉर्मेंस में भी अच्छा रिजल्ट आया। काफी खुश है, पेन रिलीफ काफी है उनको, तो मसाज इतने अच्छे से सिखाई गई और मैंने फिर मेरे असिस्टेंट को इतने अच्छे से सिखाई कि सच में अच्छा फर्क पड़ा सर। चलो ठीक है, तो सबसे पहले मेन क्वेश्चन, 1,00,000 रुपया, पहला 1,00,000 रुपया बनाने में कितना टाइम लगा? 1 मंथ। 1 मंथ में आपने कर दिया। ऑन एन एवरेज कितने क्लाइंट किए होंगे पहले ही महीने में? 110 के करीब करीब। 110 क्लाइंट के करीब, ओके, तो आपने तो पूरा ही मैजिक कर दिया है। तो और ये 1,00,000 हुआ या उससे ज्यादा हुआ एक महीने में? ज्यादा हुआ। ज्यादा हुआ तो बताना चाहेंगे कितना ज्यादा हुआ है? 1,87,000। और आपका स्पा के कोर्स में कितना इन्वेस्टमेंट था? 10,000 के करीब, आई गेस। यस, एब्सोल्युटली। सो देखिए, अगर आप सारे लोग जो देख रहे हैं यहाँ पर, तो इन्होंने ऑलरेडी स्पा ओपन करने का प्लान किया हुआ था और विद इन अ मंथ इनका जो रेवेन्यू है वो आप देख पा रहे हैं। और थोड़ा सा आप ये बताइए कि क्योंकि एक ही महीना हुआ है, तो मुझे ये जानना है कि अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा और बुरा एक्सपीरियंस क्या रहा। जब पहली बार स्पा का कोई भी बिजनेस करने जाते हैं, चाहे आप स्पा सेंटर ओपन करो, फ्रीलांसिंग में जाओ, हर किसी के अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस होते हैं, तो आपके केस में क्या रहा? अच्छा एक्सपीरियंस ये रहा कि काफी अच्छा हमको रिस्पांस मिला 1 मंथ में ही। ओके। हालांकि हमारा एरिया जो है वो काफी दूर है मेन सिटी से, फिर भी हमको अच्छा रिस्पांस मिला स्पा के लिए, तो ये काफी अच्छा था। काफी अच्छे लोग मिले, काफी वेल रिप्यूटेड लोगों से भी हमारी पहचान हुई उसके थ्रू। और बुरा एक्सपीरियंस ये था कि जैसे कि सबको पता है स्पा इंडस्ट्री में जो एक्स्ट्रा वाला जो होता है वो काफी प्रॉब्लमेटिक होता है। हाँ। उसकी वजह से काफी दिक्कतें हुई। कोई क्लाइंट ऐसे आए जो बहुत डोमिनेटिंग थे, एरोगेंट थे, उनके वजह से भी काफी मेंटल स्ट्रेस होता था। ओके। तो एक ही महीने में काफी सारे क्लाइंट हम लोगों ने देख लिए, काफी सारे प्रकार प्रकार के लोग आए। ओके। तो हाँ, अच्छा बुरा दोनों एक्सपीरियंस हुआ। ओके, तो आपने जो टफ क्लाइंट थे या जो डोमिनेटिंग क्लाइंट थे या जो एक्स्ट्रा सर्विस वाले क्लाइंट थे, उनको कैसे हैंडल किया? एक्स्ट्रा सर्विस वालों को तो हम लोग डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, पर हम लोग तो देते ही नहीं, आपको आना है तो आइए वरना मत आइए उसके साथ। और बाकी फिर जो डोमिनेटिंग नेचर वाले हैं उनको फिर उन्हीं के तरीके से समझाना पड़ता है, तो वो हो गया हैंडल फिर। Okay. उन्हीं के तरीके से समझा के। तो चलो एक चीज और पूछूंगा यहाँ पर, क्योंकि आपने स्पा सेंटर खोला है और जो नए एस्पायरिंग स्पा थेरेपिस्ट होते हैं वो भी काफी सारे लोग ऐसे होते हैं, मुझे भी स्पा खोलना है, तो आपसे थोड़ा सा ये समझना चाहेंगे कि आपका रफली कितना इन्वेस्टमेंट हो गया ओपन करने के लिए, और क्या है आपके पास टीम, और आपने कैसे उनका हायरिंग किया? लगभग जो है उसके साथ हमारा ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन था, सेटअप था, हमको बस थोड़े बहुत चेंजेस करने थे। उनको लगभग जो था लाइक बेड हो गया, इंटीरियर हो गया, बाथरूम बनाना था एक्स्ट्रा, और तो पहले हम लोगों ने एक ही चेंबर बनाया था कि देखते फिर रिस्पांस आएगा तो बढ़ाएंगे करके। तो सिर्फ एक चेंबर को बनाने के लिए हमको 2,00,000 खर्च आया। ओके। फिर सब आ गया उसमें, इंटीरियर आ गया, पीओपी आ गया, बाथरूम आ गया, बेड आ गया, सारी चीजें आ गई उसमें, तो 2,00,000 रुपए आया। फिर हमको एक ही हफ्ते में इतना अच्छा रिस्पांस आया कि हमको एक चेंबर का 2 चेंबर एक हफ्ते में करना पड़ गया। देखा जाए तो हमको 3-3.5 लाख के करीब खर्चा आया। और आपने टीम का हायरिंग कैसे किया, क्योंकि ये भी सवाल कई बार काफी सारे लोगों के दिमाग में होता है, यार हमने स्पा तो खोल लेंगे बट टीम का कैसे करेंगे? जैसे देखा जाए तो हम लोगों ने आपसे भी कॉन्टेक्ट किया था टीम के लिए, बट हमको कैसा लोकल चाहिए था, तो लोकल में एक थी हमारी स्टूडेंट, तो उसको हम लोगों ने रख लिया। और फिर एक ऑनलाइन पोर्टल है, तो उसके थ्रू हम लोगों ने 2 लोगों को हायर किया। अच्छा, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू पे हायर किया, और उनको ट्रेनिंग आपने दिया?
चलो, क्या लगता है कि एक साल में आप कितना रेवेन्यू कर पाएंगे? और जैसा कि हम हमेशा बोलते रहते हैं कि आप इस हॉट सीट पर जहां पर अभी आप बैठे हुए हैं तब बैठते हैं जब आप पहला अपना 1 लाख रुपए बना लेते हैं, और दोबारा नंबर तब आता है जब आप 10 लाख चैंपियन बन जाते हैं। तो आप 10 लाख के चैंपियन कितने टाइम में बनने वाले हैं? 1 लाख के अंदर तो बन ही जाएंगे आराम से। हाँ, 1 साल के अंदर आराम से 10 लाख तो हो ही जाएगा। जिस तरीके का रिस्पॉन्स है वो हो जाएगा। जो लोग नया स्पा सेंटर, अभी आपने भी खुद भी नया ही खोला है, बट फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि जो नए नए स्पा थेरेपिस्ट आ रहे हैं मार्केट में या जो सीखना चाह रहे हैं, उनको कुछ सजेशन देना चाहेंगे आप? सीखना जो चाहते हैं तो वो डेफिनेटली सीख सकते हैं, काफी अच्छा प्रोफेशन है। किसी को क्या बोलते हैं प्रोफेशनली मसाज देना, ये काफी अच्छी कला है। काफी सारे इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन भी होते हैं उसमें। तो ना सिर्फ स्पा सेंटर खोल के आप ये वाला जो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है ये इंडस्ट्री का, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सीखने में कोई बुराई नहीं है, काफी अच्छी इंडस्ट्री है। बस थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा वाला है उसके ऊपर अगर ध्यान दे आप, उसको निग्लेक्ट करें तो काफी अच्छी इंडस्ट्री है। कई बार ये भी होता है कि एक्स्ट्रा सर्विस अगर आप देना शुरू भी करते हैं तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे, आपका रेवेन्यू चला जाएगा और मार्केट में नाम भी खराब होता है। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंटली सही तरीके से काम करेंगे तो डेफिनेट सी बात है। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, कोई भी नई चीज जब मार्केट में आती है, स्पेशली स्पा जैसी चीज, तो वहां पर गलत क्लाइंट सबसे पहले आते हैं ये चेक करने के लिए कि यहां भी कुछ मजे वाला काम होता होगा। बट स्लोली स्लोली जब आप मार्केट में टिके रहते हैं तो क्लाइंट्स को भी समझ में आना शुरू हो जाता है कि यार यहां पे ऐसा कुछ नहीं होता। और हमें अगर क्लियर हमारे माइंड में ऐसा है कि यार हमें मेंटल स्ट्रेस के लिए जाना है या बॉडी पेन के लिए जाना है, देन दिस इज द राइट प्लेस। और ऐसे क्लाइंट्स बहुत बहुत ज्यादा है जो रेगुलर बेसिस पे अपनी लाइफ में मसाज थेरेपी को एक तरह से मान लीजिए मसाज थेरेपी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाकर चलते हैं। और इवन लोगों के अपने अपने पर्सनल थेरेपिस्ट भी होते हैं, और लोग अपना थेरेपिस्ट अगर एक बार फाइनल कर लिया तो मान लीजिए कि वो आपके एक रेगुलर कस्टमर बन जाते हैं। है ना, है ऐसे काफी सारे कस्टमर है हमारे पास। कोई कोई कस्टमर है जिनको उन्हीं के हाथ से करना होता है, रुकते हैं हमारे यहाँ पे 2-2 घंटा रुकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो दूसरे क्लाइंट कर रहे हैं तो 1-1.5 घंटा रुकते हैं, बट उन्हीं के हाथ से कराते हैं, ऐसा हो जाता है। अच्छा, तो इसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ कि जैसे हम जब अपनी लाइफ में हम सबका एक पर्सनल डॉक्टर होता है कि यार मैं तो इसी डॉक्टर के पास जाऊंगा, तो ये हम सबको पता है कि हमारा एक पर्सनल डॉक्टर होता है, हमारा एक पर्टिकुलर सीए होता है। तो इसी तरीके से स्पा थेरेपी में भी अब ये ट्रेंड हो गया है कि मेरा एक पर्सनल स्पा थेरेपिस्ट है और हम उसी से मसाज करवाएंगे, और उसमें क्लाइंट को भी काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं बिकॉज उनको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है कि क्या करना है। ये बात होती है, उनको क्लाइंट को पता होता है कि यार इस थेरेपिस्ट को मेरे बॉडी पेन का पता है, मेरे मेंटल स्ट्रेस का पता है, उसे पता है कि कहाँ एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना है, कहाँ प्रेशर देना है। तो वो बार बार हर विजिट में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्लाइंट की हिस्ट्री थेरेपिस्ट के पास होती है। और थेरेपिस्ट भी इतने टैलेंटेड होने जरूरी है कि उनको बिल्कुल ये पता रहे कि उन क्लाइंट्स का पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट या कंसर्न क्या है। चलो एक सवाल और पूछूंगा कि आपने जो पहले महीने में कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का यूज किया क्लाइंट्स को अपने सेंटर तक लाने के लिए? हम लोगों ने एक ही मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉलो की पूरे 1 महीने में, ओनली वन एंड सिंगल की। इंस्टाग्राम पे प्रमोशन का ऑप्शन आता है, पुश बोस्ट का आता है ना, तो हम लोगों ने प्रमोशनल वीडियोस बना लिए इसके मसाज के, और वही पोस्ट डाल दिया। वही पोस्ट को हम लोगों ने हर दिन 300 रुपए रोज खर्चा करके पोस्ट प्रमोट कर दिया। ऐसा होता है कि जिस दिन पोस्ट प्रमोट किया उस दिन इंक्वायरी आती है, जिस दिन नहीं किया उस दिन एक भी इंक्वायरी नहीं आती है, ऐसा हो जाता है। तो हम लोगों ने यही एक स्ट्रेटेजी अपना के इतना हम लोगों ने कस्टमर रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, और कस्टमर आ रहे हैं, हमारे डेटाबेस काफी अच्छा हो रहा है कस्टमर। फिलहाल तो ये एक स्ट्रेटेजी हम लोग यूज कर रहे हैं। तो देखिए, अभी इस कस्टमर आपका आपका आपने प्रमोट किया इंस्टाग्राम के ऊपर, और ये बहुत ही अच्छा आपने सिस्टम यूज किया कि कम से कम अमाउंट स्पेंड करके मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करने का। और उसके बाद कस्टमर आपके पास चैट भेजता है या डायरेक्टली आपने नंबर दिया हुआ है कि जहां पर वो कॉल करता है? हम लोग व्हाट्सएप बटन दिया हुआ है वहाँ पे, तो हमारे पास डायरेक्ट नंबर आ जाता है उनका, तो कॉल का वगैरह इतना हम लोग झंझट नहीं रखते। वो लोग व्हाट्सएप पे ही पूछते हैं, हम लोग व्हाट्सएप पे ही डिटेल दे, हम लोगों ने एक ऐसा फॉर्मेट मैसेज बना के रखा हुआ है कि वो कॉपी पेस्ट करके उनको भेज दो, तो वो सारी डिटेल उनको वैसे ही चली जाती है। चलिए, तो मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि अभी, क्योंकि ये तो अच्छी बात है कि आपने इतना अच्छा बिजनेस किया है, बट अभी भी आप मैनुअल सिस्टम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, देन डेफिनेटली वी विल टॉक कि इसको ऑटोमेट कैसे किया जाए। तो काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज के टाइम में, मतलब आज की सिचुएशन को अगर देखा जाए तो आप बिना बिजनेस पर बैठे हुए भी बिजनेस को बहुत अच्छे से रन कर सकते हैं, क्लाइंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उनका बेटर तरीके से आप ध्यान भी रख सकते हैं। सो अदिति, कांग्रेचुलेशंस, एंड यहां पर इतना अच्छा पहला ही टारगेट 1 महीने में कंप्लीट करने के लिए। अदिति, आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? कि डेफिनेटली स्पा सेक्टर की तरफ आप देख सकते हैं काफी अच्छा स्कोप है। अगर कोई है जिनकी बॉडी अच्छी है, हेल्थ अच्छी है, वो लोगों की हेल्प करना चाहते हो, तो स्पा थेरेपी के मदद से आप सच में लोगों की हेल्प कर सकते हैं। काफी लोग हैं जो दर्द में होते हैं, उनका दर्द का निवारण सच में कर सकते हैं मसाज के थ्रू, स्पा के थ्रू। अब डेफिनेटली इस सेक्टर को कंसीडर कर सकते हैं। स्पा का नाम है एक्सोटिक स्पा करके है, और ये नागपुर में, नागपुर में राठौड़ा एरिया में, राठौड़ा एरिया में। तो लेट मी से हियर, तो अगर आप नागपुर में है, राठौड़ा वाठोड़ा एरिया में है, या फिर आप इनके मसाज सेंटर पर जाना चाहते हैं और मसाज सर्विस लेना चाहते हैं, तो इनका जो बुकिंग लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप वहां पर अपना नाम, नंबर, ईमेल आईडी शेयर कर सकते हैं, जो डायरेक्टली इनके पास जाएगा, देन दीस पीपल विल कॉन्टेक्ट यू। एम आई करेक्ट?
एब्सोल्युटली yes. और जो लोग इस चीज को देख रहे हैं तो डेफिनेटली अगर आप इस बात थेरेपी को लेकर एक्साइटेड हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि होता क्या है, अब ये तो यहाँ पर आज हमने हमारे सामने ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं जिन्होंने स्पा सेंटर खोला है, बट ऐसे स्टूडेंट्स के भी इंटरव्यू बहुत आ रहे हैं जो फ्रीलांसिंग में काम कर रहे हैं या जो जॉब करके काम कर रहे हैं, तो आप उनकी स्टोरी को भी देखिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं, देन डेफिनेटली सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दूसरा इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ शेयर करें। मैं हमेशा 5 लोग इसलिए बोलता हूँ ताकि आप अगर हो सकता है आप खुद भी इंटरेस्टेड ना हो, लेकिन अगर हो सकता है आपका कोई फ्रेंड है, कोई रिलेटिव है जो कुछ नया करियर के बारे में एक्सप्लोर करना चाहता है, तब आप उनकी मदद कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर कर। और हमने फ्री मसाज कोर्स लॉन्च किया है, तो हमने पहले वो 1000 स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया था जो कि 10 दिन में ही पूरे हो गए थे, और अब हमने एक बार फिर से अगले 1000 स्टूडेंट के लिए भी मसाज कोर्स को फ्री रखा हुआ है, जिसका नाम है, इस फ्री मसाज कोर्स का नाम है द बिगिनिंग ऑफ मसाज स्टोरी। तो आप अपना मसाज स्टोरी कब शुरू कर रहे हैं वो डेफिनेटली बताइएगा, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आपको नाम नंबर ईमेल आईडी देना है, और जैसे ही आप नाम नंबर ईमेल आईडी एंटर करते हैं तो आपका कोर्स शुरू हो जाता है।